इधर जीप खड़ी है, ऊपर चांद निकल चुका है, उधर भेड़िया भी निकल चुका होगा रे बाबा। मैरी जी के आते ही निकल जाएंगे। मैं जा रहा हूँ, मैं वेट नहीं कर सकता। मैरी को लेने मैं जाऊंगा। अरे भैया जल्दी चलो, बहुत देर हो रही है, वरना वो भुतड़िया भी हाथ से निकल जाएगा। चलो जल्दी चलो। तुम लोगों के हथियार कहाँ है? हथियार तो अंदर रह गए। आप हथियार जाके मैं ही लाऊंगा। चलिए मेरी जी। मेरी जी कहाँ गए थे? अरे तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना उसके साथ। आइए ना मेरी जी, आइए आइए। मेरी जी देखा आपने, इस सुनसान जंगल की सुनसान होटल की सुनसान लॉबी में मैं जरा भी सुनसान नहीं हूँ। सुनसान नहीं आपने? हाँ, क्या सुना नहीं आपने? नहीं तो आप सुनिए, मैं कह रहा था कि देखा आपने मेरी जी, मैं जरा भी नहीं डरा। हाँ वो तो है। मेरी जी और सुनिए ना। और क्या? हाँ अब तो आप मानती है ना कि मैं जाबाज हूँ, मैं बिल्कुल भी डरपोक नहीं हूँ। तुम हो हा? जाबाज। अरे क्या हुआ, रुक क्यों गए? कौन रुका? मैं नहीं रुका था, वो तो मेरे पैर रुक गए थे। आइए चलो आगे चलो, चलो चल। हाँ चलिए ना। मुझे क्या लगता है मेरी जी, ये जो प्रीतम है ना प्रीतम, ये कोई स्पेशल इफेक्ट डाल रहा है मुझे डराने के लिए। लेकिन उसे पता नहीं है मैंने बहुत सारी हॉरर फिल्में देखी है, और अगर मैं डरना चाहूँ भी ना तो डरूंगा नहीं मेरी जी, डरूंगा नहीं। नहीं मेरी जी कोई नहीं है, आवाज तो आ ही नहीं रहा है, किसी की परछाई नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है। चलो हम लोग जल्दी चलते हैं, आगे आगे हमारी मंजिल आगे। अरे प्यारे पीछे मत देखिए ना मेरी जी, मंजिल सामने है। मंजिल थोड़ी सी दूर है, सामने नहीं है। ये मेरा रूम है, हथियार तुम लोगों के रूम में है ना? हाँ जाइए। कहाँ जाइए? सुना आपने गलत सुना, मैंने कहा आइए आइए। ओ गुलाब सर, कैसे आदमी को लाए बाबा? अब ये हथियार लाएगा कब? गाड़ी में रखेगा कब? ये गाड़ी जाएगा कब? भूतड़ियों को पकड़ेगा कब रे बाबा? सुबह हो जाएगी रे बाबा इसमें। लौकी। मेरी जी अब इतनी रात को मैं लौकी की सब्जी कहाँ से लाऊंगा? अरे लौकी चाबी। चाबी अभी? भागो! अरे रुको, वहां कहां जा रहे हो? आवाज अंदर से आ रही है। हाँ अंदर से। हाँ प्यारे होगा छिप कली से डर के आवाज निकाल रहा है। लेकिन ये तो कली की आवाज थी, लड़की की आवाज थी बाबा। मैरी जी, मैं भी आया रे बाबा, मैं भी आया। ये इधर से किधर से रे बाबा, चल उधर से। अरे बाप अरे बाबा, इससे डर गए क्या? अरे ये तो भूतड़िया की मुंडी है रे बाबा। भूतड़िया की मुंडी? हाँ भूतड़िया की मुंडी मतलब भूतड़िया मर चुका है। भूतड़िया मर चुका है। आपने हमें बुला के यहाँ टाइम वेस्ट किया है,
कोई बात नहीं प्यारे, एक काम कर, हम निकलते हैं, सामान पैक कर, चल चल। अरे नहीं भैया नहीं, ये भुतेरिया अलग है, इसको हमारे दादाजी मारे थे अपनी बंदूक से। हमारे दादाजी बहुत बहादुर थे, भुतेरिया को मार के उसका सर काट के उसमें मसाला भर के यहाँ लटका दिए हैं। बंदूक से मारा था? हाँ प्रीतम, जरा हमारी बंदूक ले आओगे प्लीज? हाँ रुचा, ये भुतेरिया का सर है। हाँ? तो वही तो कह रहा हूँ, ये भुतेरिया का सर है, कोई पेंटिंग थोड़ी है ना जो इसे ऐसे लटका के रखा है। अरे अभी अगर मेरी मेरी जी को हार्ट अटैक आ जाता तो मैं मर जाता ना। कहीं शर्म बाबा, एक्सक्यूज मी मेरी जी। हाँ? दरअसल इनके दिल में मैं ही बसा हूँ ना। बार बाबा रे, तब तो मेरी जी का दिल बहुत ही बड़ा होगा ना रे बाबा। मेरी जी आप ठीक तो है? I'm okay. तब तो ठीक है। और बाबर बाबा, ये क्या पाइप लायर बाबा? और बाबा गने क्या? ए बाबा, भुतड़ी इससे मरेगा कि नहीं रे बाबा? ट्राई करके देखूं? नहीं रे बाबा, नहीं मरेगा। सर्विसिंग नहीं करता क्या रे? नहीं। तो फिर इसे क्या फायदा? हाँ? अरे इसका कहने का मतलब है कि इससे कोई इंसान नहीं मरेगा, ये एक खास बंदूक है, इसकी गोली लगते ही भुतेड़िया का अंदर का भेड़िया मर जाएगा, लेकिन इंसान सही सलामत बच जाएगा, समझे? वाह रे बाबा, फिर जल्दी चलते, उधर चांद निकल चुका होगा, भुतेड़िया को ढूंढते और उसको खत्म करते ना बाबा। हाँ हाँ चलो चलो, राहुल भी जंगल में अकेला है, तालाब के किनारे आपका इंतजार कर रहा है। आपके दादाजी ने तो भुतेड़िया को मारा था ना? हाँ। हाँ तो फिर उन्हीं को बुला लो, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है, हमारे पीछे क्यों पड़े हो? अरे वो परलोक सुधार गए। लो पूरा पूरा परलोक सुधार गए, एक भुतेड़िया नहीं सुधार सकते। हाँ सुधार नहीं, सिधार गए यानी ऊपर चले गए। और अब हमारी बारी। क्या बोला रे बाबा? सुधारने की, उस भुतेड़िए को सुधारने की अब हमारी बारी है। हाँ चलो चलो चलो, राहुल भी वेट कर रहा होगा ना, चलो। तो बड़ी जल्दी राहुल को मिलेगी, चल चल रे बाबा। अरे सागर नहीं, मुझे बदबू आ रही है। मालिक वो बदबू तो हमारे पास से आता होगा, 30 साल हो गया मालिक नहाया नहीं है, अगर आप बोले तो पास का तालाब में डुबकी लगा के आएगा। डमरू तुम्हारी बदबू के साथ आदत हो गई है, लेकिन ये भूतेड़िए की बदबू है जो यही कहीं आसपास है। आवाज मत करो, आओ। राहुल कहाँ गया यार? हमें बोल के गया था तालाब के पास ही मिलूंगा। अब तक तो 3 बार इस तालाब की प्रदक्षिणा लगा चुके हैं हम लोग, लेकिन होता तो यही दिख जाता। इसका मतलब वो भूतेड़िए का शिकार बन गया। अरे तो आप क्या करें,
हवन करें? नहीं नहीं, उसपे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। एक काम करते हैं, उसके आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन व्रत रखें। हाँ, गुड आइडिया। हेलो, हो गया तुम लोग? अब चले यहाँ से, चल। अरे मेरी अभी तो सिर्फ 2 सेकंड हुए हैं। प्यारे प्यारे, ये मत बोलो कि हम खुले चांद के नीचे हैं और भुतेड़िया किसी भी तरफ से हमला कर सकता है। समझ रहे हो तुम लोग सिचुएशन कितनी कितनी टफ है? चलो चलो, आप फिक्र मत कीजिए मेरी जी, हमारे पास ये स्पेशल बंदूक है ना। हाँ, सॉरी। लेकिन ये काम तो करेगी ना? अरे करेगी कैसे नहीं, जरूर करेगी। नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि निशाना तो नहीं चुकोगे ना तुम लोग? वेल थैंक यू, लेकिन मेरी जी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि निशानेबाजी में मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं। अच्छा, और मुझे तो 3-3 गोल्ड मेडल ऑलरेडी मिल चुके हैं, इसलिए मैंने कंपटीशन में जाना ही बंद कर दिया है। लेकिन मुझे तो फिर भी डर लग रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई तो। और वैसे भी तुम दोनों, अरे आप चिंता क्यों करती है मेरी जी? अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम करते, देखिए अगर मुझे भुतेड़िया दिखा ना तो मैं चिल्लाऊंगा, फिर आप भाग जाना, उसके बाद मैं भुतेड़िया को शूट करूंगा। तू चीखेगा? तू चीखेगा? डर के मारे गले से आवाज नहीं निकलती, इसके और ही चिल्लाएगा। प्रीतम तुम चुप रहो जरा। प्यारे, तुम्हारे बदले का मैं चीख दूंगी अगर मुझे भुतेड़िया दिखा तो। हाँ सच्ची, अगर आप नहीं होता तो मेरा क्या होता? क्या? अच्छा चलो चलते हैं। हाँ चलो 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 चलो। इधर है भुतेड़िया, कहाँ है भुतेड़िया? प्यारे क्या हुआ? मैं तो सिर्फ ये चेक कर रही थी कि मेरी आवाज निकलती है या नहीं, प्यारे की तरह बंद हो गई तो भुतेड़िया को देखकर, यू नो, प्रैक्टिस प्रैक्टिसिंग। वेल थैंक यू, आपकी इसी अदा पर मैं फिदा हूं। मैं भी। हाँ वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। एक्चुअली आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं डरा नहीं था। मैं भी। अच्छा, और मैं डरने की प्रैक्टिस कर रहा था। तो मैं भी, पता है उनको, तो मैं भी बता रहा हूँ ना। कुत्तो चले का? अरे वापस नहीं जाना है क्या? हाँ हाँ, चल 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 चल। भुतेड़िया चांद बादल के पीछे छिप रहा है, अब दिखा अपनी ताकत। तो कुछ नहीं कर सकता भुतेड़िया, तेरा सामना भूतों के बादशाह से हुआ है, तेरी मेरी दुश्मनी सांप और नेवले वाली है, और अब मैं तुझे दिखाता हूं कि ये सांप क्या कर सकता है। भाग भाग भुतेड़िया, भाग भाग कर कहा जाएगा दारा कोयला से, रुक मैं आ रहा हूं। क्या हुआ प्रीतम, गाड़ी बीचों बीच क्यों रोक दी? मुझे लग रहा है होटल पीछे रह गया। हा? अरे नहीं नहीं, होटल तो आगे है। नहीं यार, होटल पीछे रह गया। अरे नहीं, मैं कह रहा ना होटल आगे है। मुझे लगता है कोई है, हाँ देखो झाड़ियों के पीछे। प्रीतम प्रीतम जल्दी करो, गन निकालो और से शूट करो, मुझे लगता है वो तेरी आ गया। गन निकालो, गन निकालो, निकालो ना। सॉरी सॉरी, प्रीतम खड़े हो ना। हाँ
मेरी जी लोग क्या हो गए सब ठीक है एक्चुअली हुआ क्या हमें लगा भूतेड़िया मैंने बंदूक निकाली और गोली चला दी गोली सीधा पेड़ से टकराई पेड़ से टकराई सिल्वर कलर हम लोग के मुंह पर लग गया और इतना गुंडा कैसे बच गए हेलो ब्रदर तुम क्या क्या रहे हो हाँ व्हाट आर यू सेइंग मैं समझाता हूँ हाँ वो एक्चुअली हुआ ये कि हमें लगा कि भूतेड़े ने आपका शिकार कर लिया तो आपकी आत्मा की शांति के लिए हमने 2 सेकंड का मौन व्रत भी रख लिया रबिश वैसे राहुल आप थे कहाँ या एक्चुअली मैं यही लेकिन आपने बताया नहीं आप थे कहाँ अरे वो वही बता रहे हैं अच्छा कैन आई टेल हर एक्चुअली मैं तालाब के पास ही था इतने में मैंने चांद को देख लिया व्हाट अ प्रिटी मून आई थॉट चांद को ही शूट करते हैं तो चांद को शूट करते करते मैं आगे चला और चांद की मैं वीडियो रिकॉर्डिंग ले ही रहा था कि अचानक कोई आके मुझसे टकरा गया और मैं गिर गया और शायद बेहोश हो गया मैं और जैसे ही मुझे होश आया कोई था ही नहीं आई थॉट वेल होटल चलते हैं बस मैं होटल जा ही रहा था कि आप लोगों के चीखने की आवाज सुनाई दी और मैं यहां चला आया आपसे कोई टकराया हाँ मुझे लगता है जरूर भूतेड़िया ही इससे टकराया होगा काम करते हैं इसको ऊपर से नीचे तक चेक करते हैं इसको भूतेड़िया ने काटा तो नहीं क्योंकि मैंने फिल्मों में देखा अगर भूतेड़िया काटता तो जिसको काटता वो भूतेड़िया बन जाता अच्छा तो चलो ना करते हैं चेक एक्सक्यूज मी मिस्टर प्रीतम मिस्टर प्यारे मुझे कुछ नहीं हुआ है मुझे किसी ने नहीं काटा आई एम परफेक्टली ऑल राइट ओके पक्का तो चलो फिर गाड़ी में बैठते एक सेकंड काटा है ना अरे नहीं काटा यार वो मेरे कैमरे का स्टैंड भूल आया हूँ मैं अभी लेके आता एक काम करना जल्दी आना प्लीज खो ना जाना अभी गया अभी आया जी कैमरे का स्टैंड अरे मेरी जी आप मेरे साथ पीछे बैठिए ना प्लीज ना मेरी जी मेरे साथ आगे बैठेंगी क्यों मेरी जी मेरे साथ पीछे भी तो बैठ सकती है ना मेरी जी मेरे साथ आगे बैठेंगी बड़ा कौन सुनेगा कौन तू बात खत्म अरे एक मिनट तुम लोगों का बड़ा छोटा बस यही चलता रहता है मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे कहाँ बैठना है मैं आगे बैठूंगी थैंक यू चल हुआ स्टार्ट नहीं हो रही गाड़ी प्यारे आगे जा इंजन चेक कर क्या बोनट खोल क्यों मैं कोई मैकेनिक हूँ जो नीचे उतरूं प्यारे मैंने कहा अभी उतर बोनट खोल और देख कर आ प्रीतम मैंने कहा मैं कोई मैकेनिक नहीं हूँ मैं नीचे उतर के नहीं देखूंगा ठीक है मेरी जी मेरी जी आप जी अजी को फोन लगाइए और उनको बता दीजिए ये असहयोग आंदोलन पे उतर आया है हमारी कोई बात नहीं मान रहा हाँ नहीं नहीं मेरी ऐसा मत कीजिए अरे इसमें छोटी सी बात के लिए जी अजी को बीच में लाने की क्या जरूरत है मैं हूँ ना मैं अभी देखता हूँ ना देख लूंगा तो देखो ना बोनट देखो ना हाँ यारे क्या हो गया कुछ नहीं वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है really? Let me see. नहीं क्या उस लाल वायर को हाथ मत लगाना क्यों धमाका हो जाएगा डर गया ना सॉरी मजाक किया सॉरी मैं डराऊंगा ना तो भारी पड़ेगा
वो।